हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि एसएससी की तरफ से हेड कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस की है। तो इसके बारे में मैं आपको फुल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ कि आप इस फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी है, कितनी पोस्ट आई हुई हैं और कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फुल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाए। ओके, सो स्टूडेंट चलिए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आप इस फॉर्म को 17 मई 2022 से अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 16 जून 2022 होगी, एंड पेमेंट की जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट वो 17 जून 2022 है। ओके, और अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं ई चालान के थ्रू, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 जून 2022 है, ठीक है। एंड नाउ अगर इसमें टोटल कितनी पोस्ट आई हुई हैं उसके बारे में बात करें, तो इसमें जो मेल कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट आई हुई हैं 559 पोस्ट आई हुई हैं। जैसे कि आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जैसा कि जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, एंड इसमें टोटल सैलरी की बात करें कि आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, तो आपको इसमें लेवल 4 पर पेमेंट दिया जाएगा, यानी 25,500 से 81,100 तक आपकी सैलरी जो है वो हो सकती है। और इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 276 पोस्ट हैं, जो कि मतलब कि रिजर्व पोस्ट हैं, फीमेल कैंडिडेट के लिए 276 पोस्ट हैं, ठीक है। एंड नाउ अगर इसकी एज लिमिट की बात करें, तो आपकी मिनिमम एज जो है 18 ईयर होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम एज जो है वो 25 तक होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 18 टू 25 के बीच है तो आप इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर डेट्स की बात करें, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2004 के बीच में आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। ओके, और आपको इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, एससी एसटी वालों को 5 ईयर का, ओबीसी वालों को 3 ईयर का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का। तो और भी सारी डिटेल आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके, एंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तो इसके लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, जो कि इंग्लिश में आपकी 30 WPM आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, एंड हिंदी में 25 WPM आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ओके, एंड इसके साथ साथ अगर आप लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह भी है, तो आपको उसके लिए बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट वगैरह है तो। एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ होगी, एंड जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं एंड एस सी एस टी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो मतलब जनरल एंड ओबीसी वगैरह के मेल कैंडिडेट के लिए ओनली 100 रुपीज़ है, बाकी और किसी के लिए नहीं है एप्लीकेशन फ़ीस। ओके, एंड अगर जैसा कि अगर फॉर्म को आप फिल कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, आप कुछ भी गलती हो जाती है, तो इसकी करेक्शन विंडो जो है वो 21 जून से 25 जून तक जो है ओपन रहेगी। तो आप जो है अपना जो भी फॉर्म में अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, तो आप जिस भी रीज़न से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी रीज़न से फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे कि आप सीआर रीजन के लिए देख सकते हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पुरनिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज एंड वाराणसी वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ही आप ईआर रीजन के लिए भी देख सकते हैं, केकेआर रीजन के लिए भी, और इसके साथ साथ एमपीआर रीजन, एनईआर रीजन, एनआर रीजन, एनडब्ल्यूआर रीजन, एसआर रीजन वगैरह। तो आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं आप उस अकॉर्डिंग जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपको इसके सिलेबस के बारे में एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो अगर इसमें सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इसमें पहले आपका सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा, ठीक है। और इसमें आपका मेडिकल भी होगा, और जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि आपका जो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है।
एंड इसमें आप लोगों के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, जैसा कि आप हाइट वगैरह देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि 5 सेंटीमीटर जो है रिलैक्सेबल है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर जो है उनकी हाइट होनी चाहिए, और जो है 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल है, ठीक है, यानी कि आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है कुछ कैंडिडेट के लिए, जैसे कि SC ST वगैरह के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप आपकी इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी क्वेरी जो है क्लियर हो गई होंगी, बट अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सिलेबस के लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट, थैंक।